रामायण, डायरेक्टेड बाय रामानंद सागर, जो कि टेलीविजन हिस्ट्री का काफ़ी फेमस शो रहा है और ये रिपीट टेलीकास्ट किया जा रहा है अंडर लॉकडाउन 28 मार्च 2020 से। तो जानते हैं इसके बारे में कुछ अमेजिंग सी बातें। सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं फन टेक ज्ञान। तो अगर हम बात करें रामायण के डायरेक्टर की तो इनका नाम है रामानंद सागर, और अगर हम बात करें रामायण के एक्टर्स की तो इसमें जो दशरथ जी का रोल किए थे उनका नाम था बाल धूरी, और अगर हम बात करें राम जी के रोल की तो उनका नाम है अरुण गोविल, और जो लक्ष्मण जी के रोल किए थे उनका नाम सुनील लहरी, और अगर हम बात करें सीता जी के रोल की तो दीपिका चिखालिया जी ने इनका रोल किया था, और अगर हम बात करें हनुमान जी के रोल की तो दारा सिंह ने इनका रोल किया था, और अगर हम बात करें भरत जी के रोल की तो संजय जोग ने इनका रोल किया था, और की बात करें तो रावण का रोल किया था अरविंद त्रिवेदी जी ने। तो ये थे कुछ मेन एक्टर्स रामायण के। अगर हम बात करें रामायण से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स की, तो सबसे पहले जब रामायण के क्रिएटर्स रामानंद सागर और उनकी टीम थी वो श्योर नहीं थे कि रामायण शो चल पाएगा, तो उन्होंने ऑडियंस को टेस्ट करने के लिए सेम एक्टर्स के साथ एक दूसरा शो रिलीज़ किया 1985 में, जिसका नाम था विक्रम वेताल, जो कि प्रसिद्ध लोक कहानियों पर आधारित था। उसके बाद 1987 में रामायण को टेलीकास्ट किया गया। रामायण सीरीज़ के टोटल 78 यानी कि 78 पार्ट टेलीकास्ट किए गए थे। दोस्तों जब रामायण शो सबसे पहले चलाया गया था तो एक रिपोर्ट के अनुसार दूरदर्शन इससे लगभग 40 लाख रुपए पर एपिसोड कमाता था। दोस्तों बाल धूरी और जयश्री गटकर जिन्होंने कि दशरथ जी और कौशल्या जी का रोल किया था, वो दोनों रियल लाइफ में भी शादीशुदा रहे हैं। दोस्तों रामायण शो ने द लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला पौराणिक सीरीज़ का रिकॉर्ड अपने नाम किया। दोस्तों रामायण 55 अलग अलग देशों में टेलीकास्ट किया गया था, जहां से इसने 650 मिलियन दर्शकों को अर्जित किया। दोस्तों रामायण शो का शूट लगभग 550 दिनों तक चला था। संजय जोग जिन्होंने कि रामायण में भरत जी का रोल प्ले किया था, वो रियल में लक्ष्मण जी के रोल के लिए अप्रोच किए गए थे, पर उनकी कई और शूटिंग होने के कारण वो नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने इसीलिए भरत जी का रोल किया। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार रामायण का एक एपिसोड लगभग 9 लाख के बजट से तैयार होता था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं वो भी ज़रूर बताना, और रामायण शो 90s के किड्स के लिए स्पेशली काफ़ी यादगार रहा है और आज भी लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तो अंत में जय श्री राम, थैंक यू सो मच। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।